नमस्ते दीदी। हाँ नमस्ते भैया। दीदी घास काटते नहीं? हाँ भैया, जो ना शिप से हम लोन नहीं ले ले, ओकरे से गाय खरीद ले बने, उहे गैया के खियाओ खाते हम घास काटते नहीं। अच्छा ठीक बा भैया, इतना घाम मेरे को कहाँ आवे भैलो। दीदी सुनिए के रुआ बीज उपचार करके ही धान के बिया गिराई ले। भैया रुआ बड़ी अच्छा समय पागल बनी, हम आज धान के बीज के उपचार कर जाते रहनी है, चलिए हम रुआ बताते नहीं। हाँ चली भैया, तो हम रुआ के धान के बीज उपचार करके बताओ तनी। ठीक बा दीदी। दीदी बीज उपचार तो रुआ बतेबे करें, एक से पहले रुआ अपन परिचय देती तो बड़ा बढ़िया रहा। हाँ भैया अभी हम अपन परिचय देता नहीं। सब दीदी भैया के नमस्ते, हमार नाम कुसुम देवी बा, हम विष्णु जीव का स्वयं सहायता के सदस्य बानी, ग्राम कुंडलपुर बरगजवा प्रखंड नरकटिया जिला पश्चिमी चंपारण के रहे वाला बानी। दीदी पर्चे तरुआ बड़ा बढ़िया दे है नी, अब हमरे के बीज उपचार के बारे में बतेती तो बड़ा अच्छा रहा। ठीक बा भैया, हम जाते बीज उपचार के सामान लेके घरवा से आवत नी। ठीक बा दीदी चली। अच्छा भैया, तो हम सब सामान लिए नी। ठीक बा दीदी, तो हमरे को बताई। ठीक बा भैया, तो अपने बैठी हम बताओ तो। चलिए चलिए भैया बैठी, हम बीज उपचार बताओ तो नहीं। ठीक बा दीदी। भैया एक कट्ठा खाती है 200 ग्राम धान के बीज बा। हाँ दीदी। भैया है बेबस्टीन पाउडर हो। दीदी ये बेबस्टीन पाउडर कौन सी? अरे धान के बीज में फफूंदी ना लागेला, कीड़ा के मारे के में शक्ति रहेला। ये फफूंदी नाशक हो? हाँ भैया ये फफूंदी नाशक हो। ऐसे फफूंदी जनिक रोग कोनो ना लगी? ना कोनो प्रकार के कीड़ा ना लगी। तब तो धान के पौधा बड़ी स्वस्थ हुई दीदी? एकदम स्वस्थ निरोग हुई। अच्छा ठीक बा दीदी। भैया है नमक हो। ये का होला दीदी? पानी में घोल बनावली नमक के। ठीक बा। भैया है मुर्गी के अंडा हो। ये कौन काम में आवला? कि पानी के अंदर तो मैंने घोल तैयार बाकी ना एक पता लगला। अच्छा ठीक बा दीदी। भैया अगर मुर्गी के अंडा ना मिली, इतने ग्राम के आलू के। ओ आलू से भी काम चल सकता है? हाँ भैया आलू से काम चल सकता है। अच्छा ये तो बड़ा बढ़िया रुआ जानकारी बा दीदी। भैया है दस्ताना है, अगर दस्ताना ना मिली तो दुगो पोलोथीन से काम चल जाये। तो दीदी कौन काम में आवला? बेबस्टीन पाउडर के धान के बीज में मिलावे के काम में आवला। ओ तो बेबस्टीन में जहर होला ना? हाँ भैया जहर, वही से प्लास्टिक लागेला। भैया है डिसलाई के खाली डिब्बा हो। ये का होला दीदी? एक से बेबस्टीन पाउडर ना पड़े। अच्छा ठीक। भैया हाय भिजल जूट के चट्टी बा। ये का होला दीदी? यही पर धनवा धके भिजल का धनवा यही में धके बांधल जाई। ओ एकरा में धके या मोटरी खानी बांध देम जन से बीवा जामी? हां ओ ठीक कहत है नी दीदी। भैया हाय बाल्टी बा, बाल्टी में 1 लीटर पानी बटे। पानी का होई दीदी? अरे नमक के घोल बनावली भैया। अच्छा
भैया है रस्सी है। ये क्या हो दीदी? धनवा के बीजवा धो के जुटवा के बोरवा में बांधल जाई। अच्छा दीदी, सामान के बारे में तरुआ बड़ा बढ़िया से बता देनी, अब हमरे के ओकर विधि बता देती तो बड़ा बढ़िया रहल। हाँ भैया, अभी रुक हम विधि बतावे चलतनी। ठीक बा दीदी। भैया है अंडा है, एकरा के बाल्टी में रख दो ले पानी में। दीदी ई तांडवा नीचे डूब गई तो पहचान बा, बढ़िया अंडा रही तो नीचे बैठ जाई। हाँ दीदी, हाँ दीदी, अंडा तो नीचे बैठ गई बा। देखी भैया, अब हम नमक के घोल तैयार करते नहीं। अच्छा दीदी। देखी भैया, नमक के घोल तैयार करते नहीं। देखी भैया, नमक के घोल में अंडा डालते नहीं। दीदी ई तो अंडवा ऊपर आ गई। भैया जब अंडा ऊपर तैरे लागी तो समझे में और घोल तैयार हो गई बा। हाँ दीदी, अंडवा तो लागत है कि चवन्नी के आकार के एकदम तैर रहल बा। भैया अगर अंडा ना मिली हाँ तो इतने वजन के आलू से भी काम चल जाए। अच्छा दीदी, ये तो बड़ा बढ़िया बात रुआ बतैनी। देखी भैया, अंडवा के निकाल के अब इमे धान के बिया डालत हनी। अच्छा दीदी। देखी भैया, बढ़िया बीज नीचे बैठ गई, खकड़ा बीज सब ऊपर चल गई बा। देखी भैया, जब खकड़ा बीज बा ऊपर आ गई बा, बढ़िया बीज नीचे बैठ गई बा, खकड़ा बीज के छान के हटा दो ले। ठीक बा दीदी। दीदी एकर कोनो काम नहीं के? ना भैया, एकर बर्मी खाद बनी। अच्छा, तो खादों के काम में आ सकता? हाँ भैया, एकर बढ़िया खाद बनेला। अच्छा दीदी, अब एकरा बाद का कर ले? धान के बीज से नमक हटावे खातिर 3-4 बार पानी से धोवे के पड़ी। अच्छा, ताकि धान साफ हो जाए ना। हाँ। चली भैया, अब कलवे पे एकरा छान के धो दो जा। चली भैया, एकरा के 3-4 पानी से धो देनी। अब ठीक बा दीदी, 3-4 बार पानी से धो के एकर नमक के घोल हटा देनी भैया। ठीक बा दीदी। भैया अब तो 3-4 पानी हम धो देनी, नमक के घोल तो हट गई। हाँ। अब एकरा के ले जाके 18 घंटा खाती ठंडा जगह रख दो ले। ठीक बा दीदी। देखी भैया, 18 घंटा खाती फूले खातिर छायादार जगह पर रख देता नहीं। ठीक। कुसुम दीदी, कुसुम दीदी, घरे बानी? हाँ राजू भैया, हम घरे बानी। दीदी 18 घंटा तो बीत गई, अब हमरा के आगे वाला विधि बता देती। अच्छा भैया, ठीक बा, हम बता देते नी। अच्छा ठीक बा। हाँ चले भैया, हम बाल्टी लेके चलते नी, बीज रख प्रक्रिया बता देते नी। ठीक बा दीदी। भैया हाँ दीदी, अब तो ये बीज 18 घंटा हो गए फुलैले जी, अब एकरा के जूट के बोरा पर हम निकाल के पसारते नी। एकरा काहे खातिर भरकावत नी भैया? ई भरक जाई नो। हाँ। तो बेबीसिन पाउडर वा अच्छा तरह से मिल जाई। अच्छा ठीक बा भैया। जी दीदी, बेबीसिन पाउडर मिलावे खातिर हम दस्ताना पहने जातनी, अगर दस्ताना ना होई तो पोलोथिनो से काम चल जाई। दीदी
ई दस्ताना काहे ला पहिनत हनी भैया? बेबी चिन पाउडर बा उ जहर ह। अच्छा, ओकरा से बचे खातिर दस्ताना पहनल जरूरी होला। अच्छा ठीक बा। ई धान में 1 ग्राम बेबिस्टिन पाउडर मिलावल जाई। दीदी तो एक एम काला रखनी है बेबिस्टिन वा? ई खाली डिब्बा बेबिस्टिन पाउडर नापे खातिर रखनी है। अच्छा, माने एकरा में नाप के तबे में डलाई। हां, कि कम कम बेस ना हो के मात्रा। सही मात्रा पड़ी। ठीक बा। देखी भैया एकरा के बेबिस्टिन पाउडर अच्छा तर से मिलावे के पड़ी। ठीक बा दीदी। दीदी बेबिस्टिन पाउडर तो बड़ा बढ़िया से मिला देनी, अब एकरा बाद का करे के पड़ी भैया? बेबिस्टिन पाउडर मिला के एकरा के पोटरी बांध के 24 घंटा खाती अंकुरे खाती रख दो ले। 24 घंटा दीदी? हां भैया 24 घंटा। ओ भैया तरी पोटली बांधे में हमार मदद कर दी तरुआ। ठीक बा दीदी। भैया अब तो पोटली बना गई। हाँ दीदी, एकरा के 24 घंटा खाती अंकुरे खाती ठंडा जगह रखे जाते नहीं। ठीक बा दीदी। दीदी बीज उपचार के बारे में तो बड़ा बढ़िया बता देनी, ऐसे कोनो लाभो बा? हाँ भैया लाभ बाटे। भैया एकरा से लाभो बा, बीज अच्छी तरह से जामी, स्वस्थ और मजबूत होई आ फफूंदी मुक्त होई। ठीक बा दीदी, एकरा में कोनो सावधानियों बा? हाँ भैया, बीज के 18 घंटा से ज्यादा देर नइखे फुलावे के, आप बेबिस्टिन पाउडर बिना दस्ताना या पोलोथिन पहनने नहीं मिलावे के। अच्छा दीदी, किसान दीदी भैया लोग कोनो रुआ संदेशो देवे के बा? हाँ हाँ भैया, किसान दीदी भैया के हमरा संदेशो देवे के बा। सब किसान भैया दीदी से अनुरोध बा कि धान के बीज उपचार करके ही लगाए, अधिक उपज उपजाई और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाई। दीदी रउआ अपन इतना बहुमूल हमरा के समय देनी, एक खाती रउआ के लाख लाख धन्यवाद। धन्यवाद भैया।